नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की मंडियों में तैयारियां पूरी हो चुकी है। गेहूं खरीद 20 अप्रैल से शुरू हो गई है। हालांकि शनिवार को इस संदर्भ में आला अफसरों की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसके लिए पूरे हरियाणा में 1800 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को खरीद के लिए दूर न जाना पड़े और किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर भी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। खरीद केंद्रों पर व्यवस्था पूरी तरह से की गई है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। फसल खरीद को लेकर के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। हालांकि दो दिन से आढ़तियों की भी हड़ताल चल रही है। आढ़ती एसोसिएशन चाहती है कि अलग अलग जिलों में पुराने तरीके से ही फसलों को खरीदा जाए। ये तैयारियाँ सरकार ने अपने स्तर पर की है, ग्रामीण स्तर पर भी इस तरह की तैयारियाँ कर दी गई हैं। आज हमारी टीम गांव बकरियावाली के खरीद केंद्र पर पहुंची। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि हमने मंडी को बड़े स्तर पर तैयार किया है। इस खरीद केंद्र को एक बड़ी मंडी का रूप दिया है। यहां पर सरकारी अफसरों कर्मचारियों की निगरानी भी रहती है। यहां पर आने वाले किसानों को स्कैनिंग तथा सैनिटाइजर के बाद ही एंट्री दी जाती है, जबकि कई जगह मंडियों में तो किसानों के ट्रैक्टर ट्राली को भी सैनिटाइज किया जाता है। इन सभी खरीद केंद्रों पर अध्यापकों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि खरीद केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क की भी उपलब्धता रहेगी। फसल खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम हैं। मंडी में किसानों के पास मैसेज आ रहे हैं और उसी के मद्देनज़र किसान फसलों को लेकर के मंडी पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या आढ़तियों की तरफ से बारदाना नहीं पहुँचा, जिसके चलते थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य है, लेकिन इसका भी जल्द ही समाधान हो जाएगा। समय समय पर अधिकारियों से बातचीत होती रहती है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। सौरभ जी, ये जो ग्रामीण स्तर के ऊपर जो मंडियों की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर ग्रामीण कितनी मात्रा में लेकर के आ रहे हैं अभी फिलहाल गेहूँ वगैरह? किसानों का रजिस्ट्रेशन है, जिनकी मैपिंग हो गई है जी, और जिन जिन आढ़तियों के थ्रू मैपिंग है, वही किसान रजिस्टर्ड किसान ही लेके आ रहे हैं जी, और वो एक ट्राली में जितना वजन आ रहा है उतना अपना वजन लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो लेकिन पहले एक व्यवस्था थी कि इतने क्विंटल तक गेहूँ लेकर के आ सकता है या सरसों लेकर के आ सकता है, तो वो व्यवस्था जो थी अब वो कोई चेंज कर दिया गया है उसमें? ना, कोई चेंज नहीं है। जितना एक ट्राली में जितना किसान लेके आ सकता है उतना लेके आ रहा है। ये इसीलिए है कि ज़्यादा मतलब ट्राली ज़्यादा आने से फिर भीड़ ज़्यादा होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग पर्पज़ के लिए ये एक ट्राली ही किसान से मंगवाई जा रही है। एक किसान एक ही ट्राली लेके आता है और उसका इतना ही वजन आता है जितना 50 क्विंटल 40 क्विंटल या 60 क्विंटल तक गेहूँ लेके आ रहा है। तो जो जिन किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं और वो मतलब अगर किसी के पास 5 ट्राली गेहूँ है, तो फिर वो कैसे वो करेगा? उसके जिस दिन किसान का नाम आ गया मैपिंग में, एक उस दिन अगले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन आगे से आगे दिन उसका बढ़ता रहता है, उसके बारी फिर 2-3 दिन बाद में छोड़ कर भी आती रहती है उसकी। लेकिन अभी पीछे कुछ दिनों पहले पता लगा था कि जो सरसों की बिकवाली हुई है उसमें क्या रहता कि मैसेज 40 क्विंटल का आया, लेकिन कहीं ना कहीं 32 क्विंटल तक ही वहाँ खरीदी जा रही थी और कईयों के पास तो सिर्फ 32 किलोग्राम तक के मैसेज आए थे। ना ठीक है, वो तो ये कैसे था? वो एक टेक्निकल फॉल्ट थी, वो सुधार कर ली गई, अभी 40 क्विंटल तक टोकन कटे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो खरीद एजेंसियां थी उन्होंने ये तक कह दिया था कि भैया आप इससे ज़्यादा बेच भी नहीं सकते, तो जमींदार थे जो वो वापस ट्राली लेकर के आ रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ सुधार हुआ? शुरू शुरू में कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, जो कंप्यूटराइज टेक्निकल फॉल्ट थी उसमें, जो 4 क्विंटल या ऐसा दिखा रहा था। जमींदारों की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी? जमींदारों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, वो कंप्यूटराइज टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अब 40 क्विंटल तक उसकी एक किसान बेच सकता है जिसने 5 एकड़ में की है, तो उसका 40 क्विंटल तक बिक रहे हैं, उसके टोकन भी कटे हुए, कोई दिक्कत नहीं। मंडियों के अंदर व्यवस्था कैसी है, जो ग्रामीण स्तर पर सरपंचों ने पंचों ने जो ये व्यवस्था करवाई है तो वो कैसे है, ठीक है जमींदारों के लिए? पानी, सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, हर तरह की सुविधा आप देख ही रहे हैं। आप अभी मौके पे हाजिर हो यहाँ बकरियावाड़ी गांव में देख रहे हैं, बिल्कुल आपको कैसा लगता है ये आप बता दें। हाँ, सैनिटाइजर वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट है। सरपंच पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, कोई समस्या नहीं है जी। कृष्ण कुमार जी, यहाँ किन किन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है? जी, यहाँ हमारे टीचर्स हैं,
जी, यूपी में जैसे हैं असिस्टेंट हैं और हमारे जो कुछ सक्षम युवा भी हैं उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। तो हमारा जो काम है वो सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य है, तो उसको हम आप लोग वॉलेंटरी सेवा दे रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी आपकी लगी हुई? नहीं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई है जी, टीचर्स की और सभी की, जो सक्षम युवा है वो भी उनकी भी सरकारी उससे लगी हुई है जी। तो इसमें क्या योगदान रहेगा आपका, जो अगर जमींदारी या मंडियों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप लोग कैसे उसको मेंटेन करेंगे? वैसे रखेंगे, काफ़ी लोग समझदार हैं, बाकी तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो सक्षम वर्कर्स हैं, वो सारे मिलके हम यहाँ मंडी में रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखवाएंगे, उनसे जरूर रखवाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो बारदाने की बात चल रही है कि बारदाना अभी तक आया नहीं है और जमींदार जो है अपनी गेहूं लेकर के यहाँ मंडियों में पहुंच गए हैं, अगर दो दिन तक बारदाना नहीं आती है तो फिर ऐसे में किसान है वो क्या वापस लेकर के जाएंगे अपनी गेहूं? नहीं, अभी अभी बात हुई थी मेरी, वहाँ संजय जी हैं हमारे हेफ्ट से, तो अभी आज पूछ जाएंगे हमारे पास, यहाँ बारदाना जो है सारा पूछ जाएगा और किसानों की जो है ये तुलाई शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है दंपत सिंह जी। दंपत जी, ये जो मंडी यहाँ पर बनाई गई है किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई है, तो क्या लगता है इस तरह की व्यवस्था हमेशा के लिए होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा तो बड़ा परेशानी है सर, बाजार जाते हैं, बहुत टाइम खर्च होता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, यहाँ तो टाइम नहीं लगता जी। गाँव के अंदर गाँव में बड़ी व्यवस्था हमारा रखी है, बहुत जोर जबरदस्त। हाँ, काफी लंबा चौड़ा एरिया है, यहाँ लंबा चौड़ा एरिया है, पानी छिड़का हो रहा है, बड़ी सेफ्टी बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, साथ में लॉकडाउन की उसकी भी पालना हो रही है जी। बहुत बढ़िया सिस्टम है जी, तो जी होनी चाहिए जी। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब अनाज मंडी के अंदर जो है किसान अनाज अगर लेकर के आते हैं तो वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग करें, तो आप लोगों की क्या मंशा रहेगी इसमें सहयोग करने की? हाँ, बिल्कुल करेंगे जी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सहयोग करेंगे, ये तो करना ही चाहिए जी। हाँ, देश पर है, पर बाहर है, बाहर है जी, होना ही चाहिए जी जी, बिल्कुल। तो आप लोगों के पास कोई मैसेज या कोड आता है कैसे, आप जैसे आपको पता कैसे लगता है कि ये अनाज आज लेके मंडी में जाना है? वो लिस्ट आती है जी इनके पास। अच्छा, लिस्ट के आती है, लिस्ट वो हमारा आड़ती है, वो फोन कर देता है, भाई आपका कल नंबर है, आप अनाज ले जाओ, हम ले जाए, आप तो बारदाना नहीं है जी, सबसे मोटी समस्या ये खड़ी हो रही है। अच्छा, बारदाने के कारण, तो अगर बारदाना तो कल तक नहीं आएगा तो ट्रॉली आपको यहीं रखनी पड़ेगी? हाँ, तो क्या लाद क्या करें, सबसे बड़ी दिक्कत बारदाने की जी। ये तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था ही नजर आ रही है, हाँ, वजह से कमी आ रही है, और यहाँ सरपंच ने टंकियाँ लगा रखी है, लाइटें फिटिंग कर रखी है, कराओ मरा जगह सही तरीके तैयार कर रखी है, शौचालय बना रहा है वहाँ पर, बहुत बढ़िया सिस्टम है सरपंच का जी मंडी के लिए। हाँ, मंडी के लिए जी, सरपंच ऐसा होना नहीं चाहिए, जबरदस्त सरपंच है, बढ़िया सरपंच बकरियों वाली। सरपंच साहब, एक बात बताइए, जो ये मंडी की व्यवस्था की गई है ये पंचायत की जमीन में है? हाँ जी। तो कितनी गेहूं इस समय आ चुकी है और कैसे प्रशासन की मदद से ये किया गया है या ग्रामीण स्तर पे किया गया? नहीं, ग्रामीण स्तर को भी सहयोग है, लाइट को है, पानी को है जी, और तेल को, जनरेटर को है, क्यों दिन में तो लाइट रहे को नहीं, रात न चल रहा है, बाकी बढ़िया जगह है जी। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री जी साहब ने जो ये घोषणा की थी उसी के अंतर्गत ये मंडियाँ लगाई गई है गाँव में? हाँ जी, सभी गांव में की गई है या यहीं? नहीं, अलग अलग गांव में, तीन तीन गांव में पर जी। अच्छा, तो जो आरती के थ्रू जिन्होंने किसानों ने जो पैसे उठा रखे हैं, फिर वो मतलब अब की बार आरती के थ्रू नहीं खरीदी जाएगी? आरती के थ्रू खरीदे जी। अच्छा, तो आरती फिर यहाँ आते हैं? आ रहे हैं जी, परसों आ रहे हैं, गाँव में है, दो चार आज और आने के। अच्छा, सरकारी अधिकारियों की किन की ड्यूटी है यहाँ पे? सरकारी मार्केट कमेटी की है, मास्टर जी ड्यूटी लगा रखी है, बहुत बढ़िया है, मास्टर ये स्कूलों के टीचर जो हैं। अच्छा, और आपकी तरफ से, गांव की तरफ से क्या क्या व्यवस्था यहाँ की गई है? गांव की तरफ हूँ, जगह सारी बढ़िया तैयार कर दी, सारा लाग गए, लाइट है, जनरेटर को है, सारा सिस्टम बहुत तैयार कर दिए, कोई कमी कर नहीं। भी रात को भी अगर कोई जमींदार गेहूँ यहाँ रखता है तो उसके लिए व्यवस्था है? चौकीदार रखती हूँ, रात काम बढ़िया, चौकीदार रखती हूँ, बढ़िया काम है। मैं तो आगे भी आठी बिकनी चाहिए, हमारे दिक्कत बनी हुई गांव के अंदर ही बिकनी चाहिए। हाँ, गाँव बढ़िया जगह है हमारे गाँव में, आप जगह देखने लग रहे हो। कितनी जगह है ये सारी? हाँ, जगह तो जी 7 किला है सारे, जगह तो और भी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हाँ, बढ़िया है, तो सारों बेस्ट है, नहीं और जगह बढ़िया बढ़िया, ये दिक्कत ना हो गांव की, तो बहुत बढ़िया से हो गए।
मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि भी जमींदारों से अपील भी की थी उन्होंने कि जो गेहूं लेकर के आएंगे वो अपने स्तर पे जितना हो सके संभव हो सके वो प्रयास करें गेहूं देने का, जो है राहत कोष है कोरोना राहत कोष जो बनाया गया उसमें दिया जा रहा है कुछ वो जी अभी तीन तुल्ली को नहीं अभी एक बजे बोरियां आवेगी तुल्लेगी सारे जमींदार अभी आपने भी सहयोग करो। अच्छा गांव के अंदर और किस तरह का कोरोना के संबंध में किस तरह का सहयोग लोग कर रहे हैं? गांव में ठीक है, पहली भी 6-7 बढ़िया सत्र हुआ थी अपने हमारे गांव में रोग को नहीं, बहुत बढ़िया काम है जी। शुक्रिया।